Timbuktu, ये रोबोट देखो, इसका नाम है ड्रैगूस। फीड द रोबो बॉय को ये खत्म करेगा और सबके सामने करेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये वायर्स और सिस्टम है। इसे पहन के हम जैसा चाहें इसे चला सकते हैं। इस हेडफोन में जैसा कमांड दोगे वो वैसा ही करेगा। बॉस, मैं ट्रायल लेता हूँ, ये काम कैसे करता है? काम करता है बॉस, देखो। पता चल गया, अब बंद करो। यू आर जीनियस बॉस। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आइए अंकल, मैं आपको रास्ता क्रॉस करा देता हूँ। चलो रुको, रुक जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये क्या, ये ड्रैगन्स कौन है? जरूर मैड मैक्स का रोबोट होगा। जिंटू, इसी होर्डिंग पे लिख दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अग्रम बग्रम आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने हमारे ही पोस्टर में जवाब छाप दिया। बॉस, उसे नहीं लड़ना है, वो लड़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बॉस वो डर गया है, उसे लड़ना ही होगा। हम उसे लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार शहर में जगह जगह बर्बादी हो रही है। ड्रैगूस नाम का रोबोट हर तरफ तोड़ फोड़ और आगजनी कर रहा है। वो चिल्ला रहा है कि जब तक रोबो बॉय उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा वो तब तक शहर में बर्बादी करता रहेगा। रोबो बॉय, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, वरना रोज ये बर्बादी चलती रहेगी। तुम चिंता मत करो वीर, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। नहीं जिंटू, ये लड़ाई एक रोबोट से दूसरे रोबोट की है, इसमें कोई जादू नहीं होगा। रोबो बॉय को साबित करना होगा कि वो फुर्सतगंज के लोगों के लिए किसी भी मुसीबत से टक्कर ले सकता है। तुम सिर्फ इतना करो कि टिम्बक्टू को मैसेज भेज दो कि रोबो बॉय चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, रोबो बॉय ने ड्रैगन्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। कल सुबह अरीना में फाइट होगी। जूते में फोन कॉल। बॉस बॉस, रोबो बॉय ने जूते में मैसेज भेजा है, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। बॉस, दोस्तों, आज इस सदी की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट डेंजरस, द ग्रेटेस्ट, द टफेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ड्रैगन्स। और अब आ रहे हैं रोबो बॉय। रोबो बॉय, इट विल बी माय प्लेजर टू फिनिश यू। Okay, ready? Start the fight! No! अभी मजा चखाता हूँ। Huh?
उठाता हूँ वीर को, अगड़म बगड़म। नहीं चिंटू, वीर ने कहा था नो जादू, उस पे विश्वास रखो। ये! 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 वीर, डक डक झुको। वीर क्या कर रहे हो तुम, मूव क्यों नहीं करते? दादाजी कुछ याद नहीं आ रहा, क्या रिएक्ट करूं? जब तक सोचता हूं उसका पंच पड़ जाता है। तुम्हारा रिएक्शन लेट हो रहा है, मेमोरी चिप पे कुछ डैमेज हो गया है। देखो वो आ रहा है, उसका पैर उठ रहा है, साइड स्टेप हो। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो बॉस। आपका रोबोट आपसे इतनी दूर रह के भी आपका कमांड मान रहा है बॉस। दादाजी, ड्रैगो को मैडमैक्स कंट्रोल कर रहा है, ड्रैगो खुद नहीं लड़ रहा। ओह, तो ये रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस यूज कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी चिंता इस बात की है कि वीर की मेमोरी चिप डैमेज हो गई है और रिएक्शन एबिलिटीज लेट हो रही है, वो टाइम से रिएक्ट नहीं कर पा रहा। दादाजी, क्या हम वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल नहीं कर सकते? इमली चलो, हमें अभी वीर को रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से लड़ना होगा, वीर खुद नहीं लड़ पा रहा है। वीर की मदद के लिए जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन बाकी कामों के लिए तो कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बॉस? इमली तुम फाइट करो, मैं वीर की मेमोरी चिप और रिएक्शन मैकेनिज्म रिपेयर करता हूँ। ओके दादाजी। इमली, अटैक करो, अटैक। वीर को चार्ज दे रहा हूँ, वो लड़ सकता है। सुनो वीर, तुम ठीक हो गए हो? अभी तक इमली तुम्हें रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल करके लड़ा रही थी, अब तुम खुद लड़ सकते हो। थैंक यू इमली। दादाजी चलिए ना, अरीना चले। अभी आके पूछ रहे हैं फाइट कब शुरू होगी, रोबो बॉय जीत के भी चला गया। हे
वीर अपना ध्यान रखना, फोन करना, अपना हाल चाल बताते रहना। दादाजी बस करिए, हम सिर्फ एक दिन के लिए जंगल सफारी जा रहे हैं, सुबह जाके रात तक वापस आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना बेटे। सॉरी दादाजी, जब आप मुझे बेटा कहते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं सचमुच इंसान हूँ। तुम मेरे लिए इंसान ही हो वीर, मेरे जिगर के टुकड़े हो। लो अब नाश्ता कर लो। वीर मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूँगा कि मुझे अपने साथ जंगल सफारी ले चलो, क्योंकि तुम मना कर दोगे, इसीलिए मैं और चिंटू खुद ही वहाँ जा रहे हैं। बाय। अगड़म बगड़म आलम फालम। रुको, रुको, ये अगड़म बगड़म बंद करो। रुको, हमसे पैसे मांग रहा है हाँ? हम पैसे देते नहीं लेते हैं। अरे कोई रोको उन्हें, चोर चोर, वो मेरे रुपए लेते हैं। अरे रुको। तुम बस में जाके बैठो, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। दुकानदार के पैसे वापस करो। ये वीर कहाँ चला गया? सर वो आता ही होगा। कक्कड़ सर, एक बार उसे छोड़ के आ जाएंगे तो दोबारा लेट नहीं होगा। बस ड्राइवर बस चलाओ। सर, सर। मेरे पैसे। थैंक यू रोबो बॉय। मिस्टर कक्कड़, नेक्स्ट टर्निंग पे वीर आपका वेट कर रहा है, उसने लेट आने के लिए सॉरी बोला है। रोबो बॉय मेरा नाम क्या था? ओके रोबो बॉय। बॉस बॉस, वीर स्कूल की तरफ से जंगल सफारी जा रहा है। बॉस उसके स्कूल वाले कितने अच्छे हैं, और एक आप हैं, आप हमें कभी कहीं नहीं ले जाते। तुम हमेशा छोटा ही सोचते हो, मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आ रहा है। हम सब जंगल सफारी जाएंगे। मोना तुम्हें आज बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। चलो बच्चों यहाँ लंच ब्रेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैड मैक्स ने कहा है वैसा ही करो, और मैं लाफिंग गैस को लेकर तैयार हूँ। ओके। कैसे हो शेरू बेटा? कौन हो तुम? अपनी बिल्ली मौसी को नहीं पहचाना? पहचानोगे भी कैसे, इतने छोटे से थे जब मैं शहर चली गई थी। अच्छा सुनो, जल्दी से दरबार लगाओ, इंसानों ने तुम लोगों के खिलाफ कोई प्लान बनाया है। सब जानवरों को एक साथ बताना जरूरी है। चलो सबको बुलाओ जल्दी। सबको खबर कर दो, दरबार लग रहा है। अब बताओ बिल्ली मौसी, क्या बताना चाह रही हो? म्याऊं। सुनो, एक इंसान आएगा और तुम सबको पकड़ के ले जाएगा। म्याऊं।
बिल्ली मौसी कौन पकड़ लेगा? कैसे कैसे पकड़ लेगा? ये उनकी करतूत है, जल्दी जाओ उस केव में छुप जाओ, इंसान आते ही होंगे। इतना टेंशन है, हम लोग हंस क्यों रहे हैं? जल्दी से छुप जाओ वरना इंसान आ जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। हाँ बॉस, काम हो गया बॉस, सब जानवर पकड़े गए बॉस। वीर आएगा और हमारा शिकार हो जाएगा। तुम लोग इस तरह क्यों हंस रहे हो? कभी गधा नहीं देखा क्या? एक आदमी मास्क लगा के आया, कोई गैस स्प्रे कर गया और बिल्ली मौसी सब जानवरों को ट्रक में पकड़ कर ले गई। कोई सब जानवरों को पकड़ के ले गया है, जल्दी चलो वीर को बताते हैं। इतनी देर हो गई, कोई भी बड़ा या अच्छा जानवर नहीं दिखा है। वीर, सब एनिमल्स को कोई लाफिंग गैस डाल के पकड़ के ले गया है, ये काम किसी बिल्ली और एक आदमी ने किया है। मैड मैक्स, उसी के पास बिल्ली है, उसने लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया होगा। चिंटू, तुम यहाँ मेरा रूप लेकर इमली के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय ऑन। मदद करनी पड़ सकती है, चलो वहीं चलते हैं। सर, सर, मुझे अभी एक दोस्त का फोन आया है, सब जानवरों को ट्रक में पकड़ के कुछ लोग ले जा रहे हैं। क्या? ओह नो, तभी मैं कहूँ कि कोई जानवर क्यों नहीं दिख रहा है। मिस्टर कक्कर, जल्दी सबको बस में बैठाइए, इमरजेंसी है। All robots ready. Robo Boy is coming. Suit on.
वालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। सब जानवर ठीक हो जाए और हमारे साथ दोस्त जैसे पेश आए। थैंक यू रोबो बॉय। बाय रोबो बॉय।